नमस्कार फ्रेंड्स, EPS 95 पेंशन के लिए यहाँ पर बड़ी अपडेट आ रही है कि आगामी बजट कब आएगा और कब तक EPS 95 पेंशन धारकों को 75+ DA मिलेगा। ये आपको मैं पूरी तरीके से आपको अपडेट बताने वाला हूँ और पूरी सटीक न्यूज़ बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल के माध्यम से हर लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट आपको बताई जाती है। तो सर्वप्रथम फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं राष्ट्रीय उपाध्याय ने अपने संबोधन में बताया कि 75+ DA के साथ ही चिकित्सा सुविधा आगामी बजट सत्र के पास होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो आगामी बजट आपके लिए कब तक आएगा इसके बारे में इस वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल के माध्यम से हर लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट मिलती रहती है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि EPS 95 पेंशन के संबंधित जो भी न्यूज़ हमारे पास आती है तो हम आपको सर्वप्रथम बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप तथा फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी फ्रेंड्स को पता चले कि EPS 95 पेंशन की बड़ी अपडेट निकल कर आ रही कि आगामी बजट आपके लिए कब तक आएगा और 75+ DA आपको कब मिलेगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश साथियों लखनऊ मंडल की मासिक बैठक दिनांक 22 नवंबर 2020 के दिन रविवार को 11 बजे चारबाग बस स्टैंड पर रोडवेज परिषद कार्यालय में द्वितीय तल में CGS के तिवारी के मंडल में होने वाली। इस मंडल में ओम शंकर तिवारी कार्य अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष मध्य क्षेत्र में माहेश्वर जी, मंडल सचिव कानपुर जी चंद्रभान सिंह, कार्यवाही अध्यक्ष पूर्वी सत्र में मुख्य रूप से शामिल होंगे। इस बैठक में सदस्य में अभियान की शुरुआत की जाएगी। जनवरी माह में होने वाली प्रतिनिधि बैठक पर विचार विमर्श किया जाएगा, जब अब तक हुई प्रगति एवं प्रकाश डाला जाएगा। आसपास के सभी जिलों के EPS 95 पेंशन के सदस्य में उक्त बैठक में अवश्य उपस्थित होंगे तथा लखनऊ के सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी कृपया राष्ट्रीय संघर्ष समिति के उपयुक्त कार्यक्रम में अवश्य भाग लेवे और सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस अभियान में आपको बता दिया जाएगा कि आपके आगामी बजट है वो कब तक आएगा और 75+ DA है वो EPS 95 पेंशन धारकों को कब तक मिलेगा। तो अपने सदस्य ग्रहण करें अनुरोध कर रहे हैं, कृपया अवश्य कार्य में से समय निकाल कर इस कार्यक्रम में भाग लेना का कष्ट करें। समस्त लखनऊ मंडल के EPS 95 पेंशन कर्मचारी एवं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के राज्य खाद्य अवश्य वस्तु निगम, भारतीय खाद्य निगम, उत्तर प्रदेश राज्य संगठन परिवहन निगम सूचित किया जाता है कि दिनांक 22/11/2020 को दिनांक पूर्व में 11 बजे चारबाग रोडवेज बस स्टैंड में स्टैंड फ्लोर पर लखनऊ मंडल की मासिक बैठक में बता दिया जाएगा। इस बैठक में सदस्य अभियान प्रारंभ किया जाएगा, अतः आप सभी मानव से अनुरोध है कि निर्धारित समय स्थान अपने सेवा सभी निवृत्त साथियों के साथ ही बैठक में भाग लें। आज दिनांक 10/11/2020 को आगरा मंडल में मासिक बैठक में लाल पर्तनी सामान्य ईदगाह बस स्टैंड आगरा में समस्त राम बाबू गुप्ता के द्वारा संचालन किया गया। इसके मुख्य अतिथि के रूप में आसाराम राष्ट्रीय उपाध्याय पूर्ण सिंह भी इसमें शामिल थे। तो लगभग आपको पता चल गया होगा कि इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संबोधन में बताया जाएगा कि EPS 95 पेंशन की 75+ DA के साथ ही जो 75+ DA के साथ मेडिकल सुविधा है वो आगामी बजट कब तक आएगा इसके बारे में हम बता देते हैं आपको। तो यह वीडियो आपको सर्वप्रथम फ्रेंड्स शेयर कर देना है, अपने सभी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल के माध्यम से लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट आपको मिलती रहती है। तो अब आपको मैं बता देता हूं फ्रेंड्स कि मेन मुद्दा हमारा रहता है कि 75+ DA में कब तक मिलेगा। तो 75+ DA हमारा है वो आगामी बजट तक मिलेगा, यानी आगामी बजट अब कब तक आएगा इसके बारे में बजट के बारे में बात करते थे। तो वीडियो को आपको व्हाट्सएप तथा फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि व्हाट्सएप तथा फेसबुक ग्रुप में शेयर करेंगे तो सभी पेंशनरों को लगभग पता चल जाएगा कि हमें 75+ DA है वो कब तक मिलेगा। अब आपको मैं फ्रेंड्स बता देता हूँ कि 75+ DA के बारे में अभी इस बैठक में सदस्य अभियान की जो शुरुआत की जाएगी जनवरी माह में है वो होने वाली पर नतीय बैठक में, यानी जनवरी माह तक आपका आगामी बजट है वो आ सकता है। तो अब माना जा रहा है कि जनवरी माह की बैठक के बारे में इस बैठक में विचार किया जाएगा तथा 75+ DA करते साथ ही मेडिकल सुविधा भी दी जा सकती है। तो मेडिकल सुविधा के बारे में भी बात की जाएगी। तो आपको मैं सर्वप्रथम बता देता हूँ फ्रेंड्स की जो 5000 रुपये है
वो भी दिए जाएंगे 7.5 लाख पेंशन धारकों को। 7.5 लाख पेंशन धारकों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे, जिनकी पेंशन है वो 750 से लगभग 1500 रुपये के बीच है, यानी 1500 रुपये के बीच है, उन लोगों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। तो 5,000 रुपये उन लोगों को दिए जाएंगे जिनकी पेंशन है वो 1500 रुपये के बीच है, 1500 रुपये के अंदर है, उन लोगों को 7.5 लाख लोगों को है वो 5,000 रुपये दिए जाएंगे। किसी को 3500 तो किसी को 3500 तो किसी को 2500 भी दिए जा सकते हैं। अभी इसके बारे में फिलहाल कोई भी चर्चा नहीं हुई तथा इस बैठक में ओम प्रकाश तिवारी मुख्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करत रहेंगे। उपाध्यक्ष में संबोधन के साथ ही देख सकते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में बताया कि 75+ DA के साथ ही चिकित्सा सुविधा आग भी बजट सत्र में होने पास होने की संभावना जताई जा रही है। तो संभावना लगभग 75+ DA और जो है मेडिकल सुविधा है उसके बारे में बताई जा रही है, यानी 100% आपको आगामी बजट तक 75+ DA मिल जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास कोई और अपडेट आएगी तो हम आपको सर्वप्रथम बता देंगे। फिलहाल इतना ही है कि 75+ DA वो EPS नानवी पेंशन की निकासी के खाते में है, वो आगामी बजट तक आएंगे। तो आगामी बजट का आपको इंतजार रहेगा। देश के 65 लाख पेंशनरों को मिल सकती है खुशखबरी। न्यूनतम पेंशन डबल होने पर वित्त मंत्रालय की सहमति क्या जाती है आपको मैंने पहले ही बता दिया गया है, और डबल हो सकती है सूत्रों के मुताबिक पेंशन। तो यह भी फ्रेंड्स आपको मैंने बता दिया गया है। तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट था क्योंकि आगामी बजट के बारे में इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल्स के साथ अपडेट बता दी। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि चैनल के माध्यम से हर एक आपको लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट बताई जाती है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपको 75+ जरूर मिलेगा और हर एक छोटे चैनल के माध्यम से आपकी न्यूज है वो हर एक न्यूज है।